हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था हमारे पास रैंक क्या होता है, नलटी क्या होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। रैंक नलटी के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में पढ़ेंगे द रैंक थ्योरम। द रैंक थ्योरम तो बेसिकली द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज अ डायमेंशन ऑफ इट्स कॉलम स्पेस। बेसिकली कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो उसका कॉलम स्पेस ए की जो हमारे पास रैंक क्या है, डायमेंशन क्या है, वो उसकी रैंक कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है द नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए। द नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द डायमेंशन ऑफ इट्स नल स्पेस। जो इसका नल स्पेस होगा, जिसको हम नल ए भी बोलते हैं, नल स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो नलिटी कहलाती है। और बी विल यूज नलिटी ए एंड डिनोटेड बाई नलिटी ऑफ ए। और ये किस तरह से निकालते हैं ये भी देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में। रैंक थ्योरम, बेसिकली रैंक थ्योरम क्या होती है, अब रैंक थ्योरम देखती है। लेट ए बी अ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ए जो है वो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। द रैंक ऑफ ए इज द नंबर ऑफ लीडिंग वंस इन द आर आर ई एफ रो रिड्यूस इक्लुइन फॉर्म। रो रिड्यूस इक्लुइन फॉर्म जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हम मैट्रिक्स ए में कोई एक मैट्रिक्स है उसको रो रिड्यूस इक्लुइन फॉर्म में बदलते हैं तो उसमें कितने जो द रैंक नंबर ऑफ द रैंक ऑफ ए इज द नंबर ऑफ लीडिंग एज, मतलब कितने लीडिंग ए है वो कितने हैं, तो उस बेस पे जितने नंबर होंगे वो रैंक कहलाती है। मोर ओवर द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड, और ये इक्वेशन होल्ड करती है। एन बराबर एन क्या है बेसिकली, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो एन जो है वो कॉलम है, तो रैंक ए प्लस नलिटी ए। एन बराबर जो होता है रैंक ए प्लस नलिटी ए से हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से कोई जो क्वेश्चन बनता है, नल्टी ए बराबर क्या होते हैं, नल्टी ए बराबर होते हैं एन माइनस रैंक के। नल्टी ए बराबर एन माइनस रैंक के। अब जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द रैंक ऑफ द नल्टी ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड द रैंक एंड नल्टी ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स है ए बराबर, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो रो रिड्यूस इक्लुइन फॉर्म में चेंज किया, तो हमने चेंज करने पर देखते हैं यहाँ पे वन, यहाँ पे भी वन बनाया जा सकता है। इन्होंने बनाया नहीं है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी वन हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो तीन वन है, तो यहाँ से इसकी रैंक जो है वो क्या है, रैंक है इसकी थ्री, रैंक इसकी थ्री है। अब नल्टी की बात करें तो नल्टी में कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये थ्री क्रॉस फाइव का है, तो फाइव माइनस टू यानी कि 5 माइनस 3, सॉरी 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। 2 जो है इसकी नलिटी है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में अगर देखें हम, फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें देखें तो हमारे पास ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हमने रो रिड्यूस इक्वेशन फॉर्म यूज की, और यूज करने पे हमारे पास यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, और यहाँ पे भी वन बनाया जा सकता है माइनस वन के मल्टीप्लाई कर दें, तो बेसिकली तीन वन है हमारे पास। तो यहाँ से ये होगा, ये वन हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि रो रिड्यूस इक्वेशन फॉर्म में हम क्या बात कर रहे हैं, लीडिंग वंस। लीडिंग वंस यानी ये लीडिंग वंस है, ये इस रो के लिए, ये इस रो के लिए लीडिंग वन है, तो रैंक जो है वो है हमारे पास इसकी थ्री। और जब नलिटी की बात करेंगे तो कॉलम कितने हैं, थ्री कॉलम्स है, तो थ्री माइनस थ्री यानी थ्री कॉलम्स माइनस थ्री रैंक। तो ये हमारे पास यहाँ से, क्योंकि नलिटी बराबर क्या होता है एन माइनस रैंक के, तो यहाँ से थ्री माइनस थ्री ये हो गया जीरो। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स के लिए रैंक और उसकी नलिटी निकाली जा सकती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे कि लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। तो इस स्टेटमेंट सारे जो होंगे इक्विवेलेंट होंगे। द कॉलम ऑफ ए फॉर्म द बेसिस फॉर आर एन। द कॉलम ऑफ ए जो होंगे वो बेसिस बनाएंगे आर एन के लिए। अगर ये है तो उसका मतलब हमारे पास कॉलम स्पेस, कॉलम मैट्रिक्स ए जो होगा वो इक्वल टू आर एन होगा। रैंक ऑफ ए जो होगी वो एन होगी। नलिटी ऑफ ए जो होगी तो उस कंडीशन में जीरो होगी, सॉरी नल रैंक ऑफ नलिटी ए तो वो भी जीरो होगी, और नलिटी जो है वो भी जीरो होगी, और ए जो होगा वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। तो ये सारी कंडीशंस इक्विवेलेंट होंगे अगर हमारे पास एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और कोई भी एक कंडीशन को होल्ड कर रहा है, या अगर ये कंडीशन है द कॉलम ऑफ ए फॉर्म ऑफ बेसिस बेसिस बना रहा है, यानी कि आर एन के सारे वेक्टर्स को, ए के जो वेक्टर्स हैं वी वन वी टू जो भी वेक्टर होंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो
और यहां से हम कह सकते हैं कॉलम ए बराबर आर एन, या रैंक ऑफ ए जो है वो एन होगी, क्योंकि उसके हमारे पास सारे सभी को लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर की फॉर्म में लिख सकते हैं इनको। तो यानी कि बेसिस जो है वो बेसिक है, वो बेसिक है, तो बेसिक का मतलब होता है हमारे पास वो हमारे पास एल आई होते हैं, यानी कि उसका ओनली एक सॉल्यूशन होता है, ट्रेवल सॉल्यूशन होता है। ट्रेवल सॉल्यूशन का मतलब है कि उसकी जो रैंक है मैट्रिक्स की, वो अगर एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक जो है वो एन है, यानी कि वो उसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये सारे रिजल्ट जो है वो इक्वलेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम।